subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Student, now I am going to start the board section of the chapter sets. इस सेक्शन में हम वेरियस बोर्ड्स में आए हुए जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे एंड दिस विल हेल्प इन योर एग्जामिनेशन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए माइनस बी यानी ए माइनस बी जो सेट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है दैट इज 14 प्लस एक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज बी माइनस ए कितना है 3x. नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों के अंदर कितना है x. यहां हमसे कहा गया है ड्रॉ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन. वेन डायग्राम हमें यहां पर बनाना है सिचुएशन के लिए एंड इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यानी एलिमेंट ए के सेट ए और एलिमेंट सेट बी जो है वो दोनों इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमें क्या निकालना है वैल्यू ऑफ x पर. नाउ स्टूडेंट सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर जो भी गिवन है मैं पहले लिख देता हूं एंड यहां वेन डायग्राम के लिए मैंने ऑलरेडी जो है ये बनाया हुआ है दिस विल बी द यूनियन सेट एंड दिस विल बिलोंग्स टू द सेट ए एंड दिस विल सेट बी. इसे मैं बाद में फिल करूंगा पहले जो मुझे गिवन ने दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूं. सो गिवन है यहां पर सॉल्यूशन से मैं स्टार्ट करता हूं. गिवन इज दिस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 14 प्लस एक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए ये कितना है स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू 3x एंड ऑल्सो इट इज गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये कितने के बराबर है ये x के बराबर और साथ ही जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये हमें दिया हुआ है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहां पर क्या करता हूं वेन डायग्राम को ड्रॉ करता हूं. तो जैसे मैंने वेन डायग्राम के लिए ये आपको पता है कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं. नाउ यूनिवर्सल सेट लिया सेट ए सेट बी क्योंकि दो सेट इन्वॉल्व होने तो ए और बी करके मैंने दो सेट. सबसे पहले मैं क्या करता हूं यहां पर ए और बी ये जो कॉमन पोर्शन है मैं कॉमन पोर्शन को आपको दिस विल बी मैं ये शेड कर देता हूं दिस कॉमन पोर्शन. Now, this common portion क्या रिप्रेजेंट करता है ये कॉमन पोर्शन आपको पता है कि रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन और इसके अंदर कितने इंटरसेक्शन बी कितना है दिस वन ये वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज x तो ये कितना हुआ x ये वाले में तो x है. नाउ a माइनस बी यानी a माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करता है a बट नॉट b यानी एक सेट के अंदर उतना पोर्शन जिसमें b कॉमन ना हो और ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया ये वाला पोर्शन हमारा दिस वन मैं इसे रेड से दिस सेक्शन ये वाला तो यहां पर कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स तो ये हो गया 14 प्लस एक्स. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट विल बी बी माइनस ए. बी माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करता है बी माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी में का वो सेक्शन जो ए के साथ कॉमन नहीं है और वो सेक्शन कितना है दिस इज 3x तो ये आ गया 3x. Now, अब हमें यहां पर x की वैल्यू भी बतानी थी. x की वैल्यू हमें बताने के लिए सी ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट हो गया. नाउ आई दैट सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b ये क्या होगा दिस विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a. एंड अगर मैं करूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए और उसमें ऐड करा दूं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट विल इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन. तो ये हमारा होता है सिंस स्टूडेंट ये फॉर्मूलेज हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में. नाउ अब मुझे गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्या है इक्वल है. So this implies that I can write number of element in A minus B plus number of element in A intersection B is equal to number of element in B minus A plus number of element in A intersection B. ये भी. अब ये सारी वैल्यू हमें given है. A minus B कितने के बराबर है 14 plus x के तो 14 plus this is 14 plus x okay. Now A इंटरसेप्शन B कितने के बराबर है x के. नाउ B माइनस ए कितने के बराबर है B माइनस ए इज 3x तो दिस इज 3x अगेन दिस विल x
अब इसे सॉल्व कर दीजिए, दिस इज 14 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 प्लस दिस इज 4x एंड दिस विल कम आउट 2x इज इक्वल टू 14. सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 7 और यही वैल्यू हमें गिवन निकालनी थी. सो x इज इक्वल टू 7 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन.